ओके, सो लास्ट क्लास में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ा था कहां से? यहां से। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमने स्टार्ट किया था, ये ना रेट ऑफ चेंज वाले का हमने बेस डिवीजन, ये बी वन का ही ना, हाफ बी वन। ठीक है, तो क्या देखा, कोई भी एक कनेक्टिविटी वाली चाहिए, तो मोस्टली क्या होगा, नाइन टेंथ की चीजें रहती है जिससे आप कनेक्ट करोगे। यहाँ पे दो सिमिलर ट्रायंगल किया, एक इक्वेशन बना लिया और डिफरेंशिएट कर दिया, बस मार्क खत्म। सेम एक और उस पे बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद पार्टिकुलर मूविंग अलोंग द कर्व, तो और इजी है, सीधे सीधे कर्व दे दिया। फिर उसके बाद सेम वैसा ही क्वेश्चन, और उसके अलावा कुछ एमसीक्यूज किए थे, ठीक, राइट। अब हम लोग क्या देखेंगे, मैक्सिमम मिनिमम, राइट। पहले सौरभ का एक डाउट है, हालांकि जब पढ़ाऊंगा तभी डाउट बता दूंगा। चलो ठीक देखो, मैक्सिमा मिनिमा का बच्चों लिमिटेशंस ऐसा नहीं है कि एक आपको इक्वेशन दे दिया और वो इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी या मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, उतना तक ही नहीं है। इसका स्कोप काफी ज्यादा है मैक्सिमा मिनिमा का, एंड दैट इज वाई आप देखोगे कि जैसे टेंजेंट है, नॉर्मल है, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, मैक्सिमा मिनिमा है, अप्रोक्सीमेशन है, इन सब में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मैक्सिमा मिनिमा पे रहेगा। बोर्ड एग्जाम भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा पे ही पूछता है। जेई में भी एप्लीकेशन डेरिवेटिव जो अलग अलग चैप्टर्स है, तो उतने अलग अलग चैप्टर्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस पे आते हैं, मैक्सिमा मिनिमा पे, ठीक है, डन। इसका स्कोप इसलिए ज्यादा है क्योंकि देखो रियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है, खास करके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कंपनियों में काफी ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। कितने इंप्लॉय है, कितना सैलरी दे रहा है, एक छोटा सा एग्जाम्पल दो। मान लो कि एक कोई कंपनी है दिल्ली में, उसके 10 रूम है, ठीक है। तो अगर वो क्या करता है, उसको फिर स्टोरेज भी चाहिए, ठीक है ना। मान लो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है तो कच्चे माल का भी तो स्टोरेज चाहिए ना। तो अगर वो स्टोरेज कच्चे माल का दिल्ली में ही रखता है तो 10 गोदाम लेने पड़ेंगे। तो 10 गोदाम अगर स्टोरेज के लिए वो रखेगा तो सोचो दिल्ली का रेंट कितना होगा, बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो अगर पता चला है कि नहीं रेंट बहुत ज्यादा होता है, काम करो दिल्ली से बहुत ज्यादा दूर, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर एक काम करो, कोई जगह ले लो और वहां पे रखो, और जरूरत पड़े तो मंगाते जाओ। अब अगर वो 50 किलोमीटर दूर भी अगर मान लो रख रहा है, और एक ट्रक का फिर मान लो कि फिर वो मंगाना पड़ेगा, तो फेयर चार्जेस लगेगा ही। तो अगर 1000 रुपए भी ले रहा है तो 50000 रुपए वो लग जा रहा है। तो हम किस तरह से करें, ठीक है ना। तो एक स्मार्ट आदमी ना तो 10 के 10 शोरूम दिल्ली में रखेगा और ना 10 के 10 मेरठ में रख देगा। तो वो क्या करेगा, एक इक्वेशन बनाएगा कि कितना कंजम्पशन हो रहा है और कितना मंगाना पड़ रहा है मुझे, ठीक है ना। तो एक किराए का एक इक्वेशन बनाएगा और एक बनाएगा वो यहाँ पे मतलब जो गाड़ियों से मंगा रहा है, मान लो ट्रक से ही मंगा रहा है या छोटे हाथे से ही मंगा रहा है, तो उसका किराया कितना है, उसका एक इक्वेशन, और यहाँ पे जो गोडाउन है उसका कितना रेंट है, इसका एक इक्वेशन। दोनों का सम कर लेगा और उसमें दिखेगा मिनिमम किस वैल्यू पे आ रहा है। तो हो सकता है ऐसा हो कि एक काम करो यार, 3 गोडाउन ले लो दिल्ली में और 7 रख दो मेरठ में, तो हम 10 गोडाउन का किराया देने से बच गए, और 10 के 10 हमें मेरठ से नहीं मंगाना पड़ रहा है, कम से कम 3 तो है, तो वहां से आके यहाँ पे होता रहेगा। तो इस टाइप का वो एक इक्वेशन बना बना करके कुछ ऐसी वैल्यू निकाल लेगा कि गोडाउन प्लस रेंट मिला के उसको ओवरऑल मिनिमम पड़ेगा, ठीक है। सबके सब बाहर रख देंगे तो भी प्रॉब्लम है, सबके सब दिल्ली में रख लेंगे तब भी प्रॉब्लम है, तो बीच में एक बैलेंस चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप के और भी बहुत सारे, ये तो बहुत ही छोटा मैंने एग्जाम्पल दिया है, बहुत सारे केस बन सकते हैं। एक कंपनी है 1000 एम्प्लॉई है, ठीक है, तो सबके लिए वो ऑर्डर कर रहा है, मान लो कहाँ से, कुछ मान लो कि कुछ एक्सेसरीज चाहिए, मान लो कि उनका कॉस्ट्यूम ही चाहिए, उनका सूट चाहिए कपड़े पहनने के लिए, जैसे इलेक्ट्रिक प्रोडक्टिव में जो काम करते हैं ना, जब अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करोगे तो जो मान लो ऐसे, तो उनको अलग से कॉस्ट्यूम देना पड़ता है, जूते देने पड़ते हैं। तो सबके सबको अगर मान लो कि यहीं से खरीद रहा है तो यहाँ तो बहुत महंगा पड़ेगा, सबके सबको बाहर से मंगाना पड़ रहा है तो डिलीवरी में इतना टाइम लग गया,
कि मान लो कि 4 दिन बाद वो डिलीवरी कर रहा है, तो 4 दिन तक 1000 क्या है मजदूर बैठे हुए, तो उनका कॉस्टिंग देखा जाए तो सोचो कितना घाटा पड़ गया। तो सारे दिल्ली से भी नहीं खरीद सकते, सारे बाहर से भी नहीं मंगा सकते, तो वो एक इक्वेशन देखेगा कि मिनिमम कितने मजदूरों से हमारा काम चल जा रहा है, ठीक है। तो 1000 में से कम 350 तो चाहिए ही चाहिए इफिशियंसी के लिए, तो 350 दिल्ली से खरीद लो, भले थोड़ा महंगा पड़े तो पड़ा, क्या करेंगे। और बाकी के जो 650 है तो उसके लिए बाहर से मंगा लो, तो 2-3 दिन बाद भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इनमें एक मैं तो 350 और 250 जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो तो इक्वेशन तय करेगा कि कितने हमें यहाँ से खरीदना और कितने बाहर से मंगाने। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, और सिर्फ कंपनियों की बात नहीं करूँ, काफी सारे चीजों में। मान लो कि एक है जितने आपके ऑफिस का एरिया है तो एरिया को बढ़ाना है, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय फुल नहीं हो पा रहा है। तो अब दिल्ली में इतना जमीन लेंगे तो कितना पड़ेगा, तो एक काम किए कि हमें मिनिमम कितना रिक्वायरमेंट है ताकि एफिशिएंसी फर्क नहीं पड़े, मतलब कि इतने ही बढ़ाने से काम चल गया। तो इतना जमीन सिर्फ खरीद लिया और इसकी जगह क्या कर दिया, दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर जहां पे गांव शुरू हो जाता है, 30 किलोमीटर दूर बाकी का वहां खड़के है, वो बाकी का प्रोडक्शन वहां कर दिया। तो ऐसे काफी सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। तो कुल मिला के मैक्सिमा या मिनिमा सिर्फ इक्वेशन तक ही लिमिटेड नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा ये सब चीजें एक्चुअली होती क्या है। एक मिनट रुक जाइए, कुछ कुछ चीजें मैं लिखने का टाइम बचा लेता हूँ। जैसे मैंने ऐसे अभी कैसे एग्जांपल दिया कि सारी चीजें लिख नहीं सकता, क्योंकि सारी चीजें लिखने लग जाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा, और सब कुछ बना बनाया नहीं रख सकता, फिर मैं पढ़ाऊंगा क्या। तो जो जो चीजें लिखने का टाइम बचा रही थी ना, उसको मैं पहले से फिच कर लेता हूँ। पता है एक ऐप आता है जो ये जो लेफ्ट साइड में आप लोग मेरा चैट पढ़ पा रहे हो ना, इसको मास्क कर देता है। ऐसे व्हाट्सएप वेब के लिए भी आता है, कई बार बच्चे ये देख लेता है कि सर मेरा नाम कौन से, मेरा नंबर कौन से नाम से सेव किया, एक बार देखता हूँ। तो खैर आप लोग में अभी किसी का नहीं है सेव, किसी टाइप के वो जनरली मैं वो ग्रुप्स में ज्वाइन हूँ। चलो गया ना सेव। तो मैक्सिमा या मिनिमा में जनरली वो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा पढ़ाया जाता है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी चीज है एक ये जानना, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। ये बहुत रेयरली यूज होता है, क्योंकि एब्सोल्यूट मैक्सिमा एक ही होता है, एब्सोल्यूट मिनिमा एक ही होता है। तो एब्सोल्यूट का मतलब कि कोई भी एक कर्व दे दिया तो उसकी हद से हद से हद से ज्यादा कितनी वैल्यू हो सकती है, जो सबसे बड़ा मतलब मैक्सिमा का भी मिनिमा। मैक्सिमा यानी कि पहले कहा जाता ना कि राजाओं का राजा, जिसको सम्राट कहा जाता था, एक होता है राजा और एक होता है सम्राट। तो हर 6-7 राज्य, मतलब एक राज्य का एक राजा है, दूसरे राज्य का एक राजा है। तो ऐसे जैसे मगध कैसे था, तो उसका जो राजा होगा वो सम्राट कहा जाएगा। तो उस सम्राट को ही मैथ्स में क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, मतलब भीष्म पितामह, ठीक है। और एक हो गया एब्सोल्यूट मिनिमा, जैसे फॉर एग्जांपल पहले लिख ले उसको, एग्जांपल दिया है क्या ना। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या होगा, ए फंक्शन एफएक्स एफएक्स ग्रेटर देन, अगर मैं ए पे कह रहा हूं कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, अगर मैं कह रहा हूं कि किसी पॉइंट ए पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, तो उस फंक्शन में जितने एक्स पुट किए जा सकते हैं और हर उस एक्स पे जो वैल्यू आएगा एफ ए उन सबसे बड़ा होगा, तभी तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा हुआ ना। एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या मतलब कि कोई सी भी वैल्यू से वो वैल्यू सबसे बड़ी गया, तो वो क्या हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 7 - x - 3 का होल स्क्वायर, तो अब देखो ना 7x - 3 का होल स्क्वायर हमेशा क्या होगा पॉजिटिव। तुम एक्स कुछ भी डालो, या तुम नेगेटिव भी डालोगे तो स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव भी डालोगे तो स्क्वायर पॉजिटिव, ज्यादा से ज्यादा तुम क्या कर लोगे 3 पुट कर लोगे, तो 3 - 3 जीरो और जीरो का स्क्वायर जीरो, तो 7 - 0 कितना हो गया 7। यानी कि ये चीज देखो ना, अगर मैं इसको एज ए कुछ पॉजिटिव नंबर की तरह काउंट करूं तो 7 में कुछ ना कुछ माइनस ही होना है ना, तो ज्यादा से ज्यादा इसकी वैल्यू क्या होगी, जब ये पिंक जीरो हो जाएगा, और जब ये पिंक जीरो हो जाएगा तब क्या होगा 7।
तो यानी कि इस फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या हुआ, सिर्फ, और एब्सोल्यूट मिनिमा क्या हो जाएगा आप लोग बताओ, एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होगा बोलिए, कुछ तो सोचो, सौरभ बताओ, अंकित, हेलो अंजलि, एब्सोल्यूट मिनिमा आप लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए, सिर्फ नॉट डिफाइन हुआ, हाँ नॉट डिफाइन सही बात है, या माइनस इन्फिनिटी भी बोल सकते हो, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी नॉट डिफाइन ही होता है, देखो ना, अगर मैं एक्स की जगह इन्फिनिटी डालू तो इन्फिनिटी माइनस थ्री इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी, तो सेवन माइनस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो जनरली एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा पे इसलिए बात नहीं होता है बच्चों कि 90% इक्वेशन में आप अगर इन्फिनिटी पुट करोगे तो आंसर भी इन्फिनिटी आ जाएगा, और माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो आंसर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसीलिए एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा पे कम बात होती है। लेकिन आपका जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल लिख लूं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री मत लिखो, 5x³ माइनस 7x या प्लस ही लिख लो, 7x या 7x प्लस 9 लिख लो, तो इसमें अगर आप x इन्फिनिटी कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आंसर इन्फिनिटी, और x माइनस इन्फिनिटी कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आंसर माइनस इन्फिनिटी। तो मोस्टली केसेस में एब्सोल्यूट मैक्सिमा या इन्फिनिटी होता है और एब्सोल्यूट मिनिमा माइनस इन्फिनिटी होता है, इसीलिए बुक्स क्या करते हैं इनको सीधे स्किप करके सीधे चला जाता है लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। तो बस आपकी जानकारी के लिए एक एक बार पुट कर दे रहा हूं और फिर आगे चलते हैं। सेम चीज क्या हो गया, एब्सोल्यूट मिनिमम। एब्सोल्यूट मिनिमा का क्या मतलब, कि मैं किसी पॉइंट पे अगर कह रहा हूं कि एब्सोल्यूट मिनिमा है, तो वो पॉइंट पे जो आंसर आएगा वो किसी भी एक्स से छोटा हो, सही बात है। तो अगर मैं कह रहा हूं 5 पे अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, तो 5 पे जो आंसर आया 5 को छोड़ के हर एक्स पे वो वैल्यू बड़ी होगी, और 5 पे एब्सोल्यूट मिनिमा है तो जो f5 होगा हर वैल्यू से छोटी होगी। ये तो कॉमन सेंस है ना, आनंद लेट हो गया आज, क्या बात है। तो ये क्लियर हुआ। अब आते हैं नॉर्मल मैक्सिमा या नॉर्मल मिनिमा। नॉर्मल मैक्सिमा नॉर्मल मिनिमा करने का मतलब लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस टाइप का कुछ है और इन्फिनिटी चला गया, तो इन्फिनिटी चला गया तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा तो इन्फिनिटी हुआ ना, लेकिन बीच में देखो एक यहाँ पे भी मैक्सिमम बन रहा है, एक यहाँ पे भी मैक्सिमम बन रहा है, 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 तो इन सब छोटे छोटे बीच में जो नहीं उचक रहे हैं, तो इन बीच में उचकने वालों को कहा जाएगा लोकल मैक्सिमा, ठीक है ना। और ये बीच बीच में ये भी है, तो ये सारे क्या हो गए, लोकल मिनिमा, ठीक है। लोकल मिनिमा कहने का मतलब कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है, मतलब भीष्म पितामह को छोड़ करके जितने मैक्सिमा है वो सब लोकल मैक्सिमा हुए, और एकदम सबसे हद दर्जे का घटिया जो है सबसे निचला उसको छोड़ करके जितना मिनिमा है वो सब लोकल मिनिमा हुआ। यानी कि एक डैडी, मतलब जरूरी को इन्फिनिटी हो, जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, देखो यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा कितना था, 7, क्योंकि 7 माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो 7 में कुछ ना कुछ कमी हो रहा है, तो 7 क्या हो गया, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो ऐसा जरूरी नहीं कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा हर बार इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये ले लीजिए, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर और प्लस 7, ठीक है, तो इसमें उल्टा हो जाएगा, आप कुछ भी डालो या जीरो या उससे बड़ा होगा, तो 7 में कुछ ना कुछ या तो जीरो रहेगा या कुछ ना कुछ जुड़ेगा ही। तो ये जो अगर y इक्वल टू मैं लिख दूं या fx इक्वल टू लिख दूं, तो इसमें क्या होगा, मिनिमम वैल्यू 7 हो गई, कुछ भी आएगा 7 से बड़ा ही आएगा, तो एब्सोल्यूट मिनिमम क्या आ गया, 7, ठीक है। तो एक फंक्शन में डिपेंड करता है वो किस टाइप का फंक्शन है, 50 बार मैक्सिमम होगा, 50 बार मिनिमम होगा, लेकिन उन सभी मैक्सिमम में जो सबसे ज्यादा होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो सबसे छोटा होगा एब्सोल्यूट मिनिमा, और उनको छोड़ करके बाकी सबको, चाहे वो भले इन्फिनिटी पे क्यों नहीं हो, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। समझ में आया ये चीज, बताइए सर ये पता कैसे चलेगा मिनिमम है या मैक्सिमम है। अब इसी प्यार है, बस आपने क्वेश्चन पूछा और हम चल गए, ठीक है ना। तो अब कैसे पता चलेगा, क्योंकि ग्राफ तो देखो, ग्राफ देख करके तो दूसरी क्लास का बच्चा भी कर देगा। असल टैलेंट क्या है कि ग्राफ नहीं दिया है कि साइन एक्स प्लस टेन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स है, अब उसमें लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा बताना है और कितने मैक्सिमा या मिनिमा है, और दूसरी बात कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो उसी पे आ रहा है, ठीक है। चलो अभी ये जो ग्राफ बनाया था इसी की बात,
अगर मान लो क्लास में मिस कर दूं सौरभ, तो क्लास से जस्ट पहले आप बता देना अपना डाउट। वैसे तो मैं क्लास खत्म होने से पहले वो टॉपिक बताऊंगा तो पढ़ा दूंगा, लेकिन फिर भी मान लो कि उतना नहीं हो पाए क्लास में तो आप याद दिला देना, ठीक है। तो जो ग्राफ था उसी को उठाते हैं, ठीक है। मान लो कि ऐसा कुछ रैंडम जरूरी ऊपर बढ़ता जाए, बीच में ऊपर बढ़ा के फिर कम कर देता हूँ, ठीक है भैया, ठीक है। तो जिस भी पॉइंट पे क्या होगा बच्चे, अगर मैक्सिमा या मिनिमा होगा और उस पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो बताओ एकदम एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा कि नहीं, क्योंकि अगर मैक्सिमा होगा तो एक डंडे को लाकर रखूंगा, डंडा बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। मैक्सिमा या मिनिमा को छोड़ के कहीं भी आप कोई डंडा रखो सड़क के नीचे गिर जाएगा, वो बैलेंस नहीं रहता है। सिर्फ मैक्सिमा या मिनिमा है ऐसी चीज है जहां पे बिल्कुल वो स्टिक क्या हो जाएगा, बैलेंस। तो अगर ये बैलेंस है तो हर वो लाइन पॉइंट जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा है उस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होती है उसका स्लोप क्या होता है, जीरो। देखो ना स्लोप का क्या मतलब, किस रेट से आप बढ़ रहे थे, तो किसी रेट से बढ़ ही नहीं रहा ना। सेवन है तो सेवन ही रह गया, नाइन है तो नाइन ही रह गया, थ्री है तो थ्री ही रह गया, टू है तो टू ही रह गया, है ना। तो जिस भी पॉइंट पे आपका मैक्सिमा या मिनिमा होगा वहां पे क्या होगा, ब्लू लाइन ही लिख देता हूं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस बात को आप मानते हो, हम किसी बुक पे नहीं जा रहे, हम किसी थ्योरी पे नहीं जा रहे, हम सिंपल कॉमन सेंस अपना दिमाग लगा रहे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस होगा तो स्लोप क्या होगा, जीरो। तो अब आप स्लोप कहो जीरो या टैन थीटा कहो जीरो या एम कहो जीरो या डीवाई बाय डीएक्स कहो जीरो, ये काम की चीज आ गई ना, कि स्लोप टैन थीटा एम डीवाई बाय डीएक्स सब एक ही होता है। तो जिस भी पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा होगा वहां पे डीवाई बाय डीएक्स पक्का जीरो। तो अगर मुझे एक इक्वेशन दे कहेगा मैक्सिमा या मिनिमा निकालो, तो मैं डीवाई बाय डीएक्स निकालूंगा, उसको जीरो कर लूंगा, उसको सोल्व कर लूंगा, और सोल्व करने के बाद मान लो कि दो एक्स आता है तो उन दोनों पॉइंट पे या तो मैक्सिमा हो रहा होगा या मिनिमा होगा, करेक्ट। मानते हो इस बात को, ठीक है आंचल, यस और नो, हेलो हिमांशी, है ना। अब सवाल ये, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कह दिया जाए एक्स क्यूब माइनस ठीक है। मान लो ये दे दिया, ये कर्व है और पूछ रहा है इसमें कहां कहां मैक्सिमम या कहां कहां मिनिमम होगा, राइट। तो क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट करेंगे इसको, कि जहां जहां डीवाई बाई डी एक्स होगा सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, तो टू भी मैक्सिमम और मिनिमम, डीवाई बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, जीरो। डीवाई बाई डी एक्स शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, वाई डैश। तो 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 इक्वल टू जीरो, छह कॉमन ले लूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो, और इसको क्या कर दिया ब्रैकेट, तो x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू जीरो, या तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 आ गया। यानी कि इस कर्व में सिर्फ 2 और 3 पे क्या हो रहा होगा, मैक्सिमा या मिनिमा बन रहा, क्योंकि जहां जहां मिस हो ही नहीं सकता। मान लो अगर इस कर्व का मैं इक्वेशन लू, तो मान लो ये 2 है, ये 3 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 11 है, ये 13 है, तो इतनी जगह पे डीवाई बाई डी एक्स पक्का जीरो होगा। वो सिस्टम ही ऐसा बना है कि डिफरेंशिएशन मतलब हर पॉइंट का रेट ऑफ चेंज, तो जितनी जगह जीरो हो जाएगा वो अपने आप छन के बाहर आ जाएगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि यार दो तो आया, लेकिन ऐसा तो नहीं कि तीन जगह वो मैक्सिमम मिनिमम होगा, नहीं,
तीन जगह मैक्सिमा या मिनिमा हो रहा होगा तो ये पक्का क्यूबिक बनता है और फिर ये पक्का 3x आता है। ये आपको सोचने की टेंशन नहीं, डिफरेंशिएट करो, जीरो करो और जो x आए उस x पे या तो मैक्सिमा या मिनिमा हो रहा हो। चलो सर ये बात तो मान लिया कि ठीक है इस पे मैक्सिमा या मिनिमा आ रहा होगा और वो चीज यहाँ दिख रहा है, लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि वहां पे मैक्सिमा है कि मिनिमा है? एक झगड़ा तो रहेगा ना, मैक्सिमा मिनिमा तो पता चल गया क्योंकि मैक्सिमा पे भी जीरो है मिनिमा पे भी जीरो है, तो उसका झगड़ा है सोल्व कैसे होगा कि मैक्सिमा या मिनिमा, तो उसका एनालिसिस करते हैं, देखते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैक्सिमा से जस्ट पहले किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ जस्ट पहले, और मैक्सिमा के जस्ट बाउंड्री पर इधर भी ले सकते हैं। चलो इसको एक बार एनालिसिस करते हैं, ठीक है, बढ़ा भी सकते हैं। तो ये हो गया आपके मैक्सिमा का। तो मैक्सिमा से पहले जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है? बोलो बच्चों क्या है? एक्यूट, यानी कि यहाँ पे जो थीटा होगा और जो टैन थीटा होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? बोलो, हेलो अंजलि, हेलो बताइए, अनस, हिमांशी, जो मैक्सिमा से पहले जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया ये एंगल एक्यूट बना रहा है, तो ये टैन थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव तो क्या एंगल 90 से कम है ना सरोनी? अब मैक्सिमा के बाद एक्स एक्सिस के साथ एंगल 90 से ज्यादा, तो टैन थीटा नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे जो डीवाई बाई डी एक्स है पॉजिटिव है, उस पॉइंट पे डीवाई बाई डी एक्स जीरो है और उस पॉइंट के बाद डीवाई बाई डी एक्स नेगेटिव। तो या तो सीधे सीधे यही चेक कर लो, जो मान लो कि अगर ये मान लो ये पॉइंट आपका 3 है, ये थोड़ी देर के लिए मान लो कुछ भी होगा ऐसे, ठीक है ये पॉइंट 3 है, तो जो आपने dy by dx निकाला है ये निकाला ना, तो 3 से जस्ट पहले कोई वैल्यू पुट कर लो, जस्ट पहले 3 माइनस जो LHL निकालते थे ना, तो 3 से जस्ट पहले इसमें कोई वैल्यू चेक करो, ये अगर नेगेटिव आ गया, सॉरी पॉजिटिव आया, और 3 के जस्ट बाद कोई वैल्यू चेक करो वो नेगेटिव आ गया, तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करे, क्योंकि देखो यहाँ पे तो जीरो होना ही होना है, यहाँ पे तो डीवाई बाई डी एक्स जीरो होना ही होना है, तो उसके पहले अगर यहाँ पे जीरो हुआ तो पक्का या तो पॉजिटिव रहा हो या नेगेटिव हो, तो पहले पॉजिटिव और बाद में नेगेटिव। तो जिस पॉइंट पे हमने डीवाई बाई डी एक्स निकाला उससे जस्ट छोटी वैल्यू रखे, और जर्नी के रख के देखना, वो पुट करने से ही समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर आया एक्स माइनस सेवन और x इक्वल टू 7 पे चेक करना है, तो 7 से जस्ट पहले ये वैल्यू नेगेटिव ही होगी ना, और 7 के जस्ट बाद ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, बस इतना ही देखना है। तो पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अगर मूव कर रहा हो डीवाई बाई डी एक्स, तो ये क्या होता है मैक्सिमा, और उसी तरह मिनिमा का देख लो सेम चीज, मिनिमा में पहले क्या है नेगेटिव और बाद में क्या है पॉजिटिव। पॉजिटिव अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करे, तो इसको कहा जाता है फर्स्ट, एक और तरीका बताता हूं, घबराना मत अभी रुकना। तो ये पहले क्या है ग्रेटर देन 90, ठीक है ये 90 से बड़ा है, तो ये क्या हो गया आपका डीवाई बाई डी एक्स नेगेटिव, और फिर बाद में क्या है ये देखो 90 से कम है तो बाद में क्या हो गया पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करे डीवाई बाई डी एक्स, तो वो क्या होगा मैक्सिमा, उल्टा घटे तो मैक्सिमा, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करे तो मिनिमम, और इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, कि हमने डिफरेंशिएशन निकाला और उसका क्या किया टेस्ट किया, जो डीवाई बाई डी एक्स निकाला ये फर्स्ट ऑर्डर ही है ना, जो डीवाई बाई डी एक्स निकाला हमने उसका क्या कर रहे हैं एक बार टेस्ट कर रहे हैं कि पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो जस्ट जिस पॉइंट पे चेक करना है मैक्सिमा या मिनिमा, जैसे यहीं पे देखो ये 2 आया और ये 3 आया, तो मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करना है, ठीक है। तो मेरा डीवाई बाई डी एक्स बच्चों क्या, एक तो ये भी है और ये वो इंटू इंटू होने के बाद ये भी है ना, तो डीवाई बाई डी एक्स में 6x²-30x-6 भी लिख सकता हूँ और x-2 और x-3 भी लिख रहा हूं, तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव चेक कर रहा हूं, फर्स्ट डेरिवेटिव बहुत इजी होता है चेक।
तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है आप लोगों का, ये वाला मत लिखना, जो इंटू इंटू हो गया है वो लिखना, ठीक है। अब देखो एट, देखो मुझे पता है कि टू या थ्री पे क्या है, मैक्सिमा या मिनिमा, तो एट एक्स इक्वल टू टू पे चेक करो, ठीक है ना। तो टू माइनस पे साइन, देखो टू से जस्ट पहले मुझे टू पे चेक करना है कि मैक्सिमा है कि मिनिमा, तो टू से जस्ट पहले ये क्या होगा बच्चों, एक्स माइनस टू नेगेटिव होगा ना, टू से जस्ट छोटा अगर मैं एक्स पुट करूं तो नेगेटिव होगा कि नहीं होगा एक्स माइनस टू, हेलो, और टू से छोटा पुट करूं तो ये भी नेगेटिव होगा, तो ओवरऑल क्या हो गया पहले पॉजिटिव, और फिर टू प्लस चेक करूं यानी कि टू से बाहर, ठीक। तो टू प्लस अगर मैं चेक करूं यानी कि टू से बड़ा, तो x माइनस टू क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और x माइनस थ्री क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्यों टू से जस्ट बड़ा मतलब 2.1 मान लो, तो 2.1 में पहले पॉजिटिव आएगा बाद में नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या हुआ नेगेटिव। तो मेरा dy by dx 2 से पहले पॉजिटिव फिर जीरो फिर नेगेटिव, धीरे धीरे घट रहा है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव गया तो उल्टा मान लो क्या हो जाएगा, तो एट एक्स इक्वल टू टू क्या होगा मैक्सिमम, ठीक है ना। अब एट एक्स इक्वल टू थ्री देखते हैं, तो बताओ थ्री माइनस का साइन क्या होगा डीवाई बाई डी एक्स का, बताओ बच्चों तुम ही लोग बताओगे थ्री माइनस का साइन क्या होगा, जल्दी बोलो, मतलब थ्री से जस्ट छोटा वैल्यू मतलब 2.9 मान लो, चलो 2.9 पे इसका साइन क्या होगा बोलो, नेगेटिव, 2.9 में ये तो पॉजिटिव हो जाएगा 2.9 माइनस टू, और 2.9 माइनस थ्री नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या हो गया नेगेटिव, ठीक है ना। और 3 प्लस पे चेक करो यानी कि 3.1 मान लो, तो बताओ इसका साइन पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव तो उल्टा क्या होगा मिनिमा, ठीक है। तो सबसे पहले डीवाई बाई डी एक्स निकालना है, उसको इक्वल टू जीरो करना है, जो एक्स आया उससे जस्ट पहले और उसके जस्ट बाद साइन चेक कर लेना है, फिर जो एक्स आया तो वहां पर साइन के अकॉर्डिंग उल्टा, प्लस से माइनस जाए तो मैक्सिमम, और माइनस से प्लस जाए तो मिनिमम, मतलब पहले जो है ना वही हो जाएगा, पहले प्लस तो मैक्सिमम और पहले माइनस तो मिनिमम। तो कहोगे सर ये तो टेंशन वाली चीज है, ये प्लस टू माइनस का साइन निकालना, टू प्लस फिर थ्री माइनस, कोई और सस्ता तरीका नहीं है क्या? तो देखो बेसिकली हम क्या, देखा रेट ऑफ चेंज क्या बताता है, डीवाई बाई डी एक्स क्या बताता है बेसिकली, डीवाई बाई डी एक्स बेसिकली क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब कि किस तरह से बदल रहा है, यही ना। तो देखो ये जो कर्व है इसके बदलने की चाल कौन कह रहा है, ये टेंजेंट, जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट डालोगे तो टेंजेंट बता देगा कि इस पॉइंट पे किस तेजी से वो बढ़ रहा है या घट रहा है। अब मैं क्या देख रहा हूं कि पहले मेरा टेंजेंट पॉजिटिव है, डीवाई बाई डी एक्स क्या है पॉजिटिव, फिर जीरो फिर नेगेटिव, तो मैं डीवाई बाई डी एक्स की भी तो चाल देख सकता हूं ना, जैसे कैसे बताया कि राजाओं का राजा, तो एक राजा जनरली क्या करेगा, पब्लिक को जज करेगा, हाँ भाई अच्छा ये खराब है ये खराब है ये खराब, वो मतलब उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। लेकिन जो राजाओं का राजा होगा वो क्या, जो सम्राट होगा वो क्या देखेगा कि राजा कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये कर्व क्या हो गया पब्लिक, ये हो गया किंग, तो भीष्म पितामह क्या देखेंगे कि किंग कैसे काम कर रहा है। तो बोला कि अरे तुम जो स्लोप थे डीवाई बाई डी एक्स थे, तुम पहले पॉजिटिव थे, तुम फिर जीरो हो गए और तुम फिर नेगेटिव हो गए, यानी कि जो राजा का काम है वो पॉजिटिव जीरो नेगेटिव, मतलब इस राजा का परफॉर्मेंस तो घटते जा रहा है, यानी के जो डीवाई बाई डी एक्स है वो पहले पॉजिटिव था वो जीरो हुआ नेगेटिव, मतलब बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस दे रहा है, यानी कि ये अगर मैं इसका रेट ऑफ चेंज देखूं तो वो चीज क्या है नेगेटिव हो गया ना, पहले आप पॉजिटिव थे फिर जीरो हुए फिर नेगेटिव हुए, तो आपका परफॉर्मेंस तो घटते जा रहा है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज सिंपली क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो अगर आप इतना कुछ नहीं करना चाह रहे हो तो सर टू माइनस टू प्लस छोड़, तो क्या करो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल दो, यानी कि इन डायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूं, तुम रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज देखो, यही ना रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज, तो वो पहले पॉजिटिव फिर जीरो फिर नेगेटिव, मतलब वो ओवरऑल क्या है नेगेटिव, घटने को नेगेटिव बोलते हैं ना और बढ़ने को पॉजिटिव बोलते हैं, तो ये तो घट रहा है ना, घटना, तो घटने को ही क्या बोलते हैं नेगेटिव। तो अगर सिंपली एक लाइन में मैं कहूं कि डबल डिफरेंशिएशन निकालो और डबल डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पे नेगेटिव आ रहा है तो क्या हो जाएगा मैक्सिमा,
क्योंकि जो पहले होता है वही होता है ना, पहले पॉजिटिव तो मैक्सिमम। और डबल डिफरेंशिएशन उल्टा देखना, डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव आया तो फिर मिनिमम। तो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखो, ये जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव चेक किया, ये अगर मान लो नहीं कर रहा तो dy बाई dx बच्चों क्या है आपका, ये आया ठीक है ना। अब इसी को थोड़ा छोटा करके यहीं पे प्रूफ कर देता हूँ, डबल डिफरेंशिएशन निकालना है। ओ यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डबल डिफरेंशिएशन। तो बताइए डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा, 12x माइनस 30 होगा ना, ठीक है। अब 12 एक चार कॉमन है लेके, नहीं दो एक छह कुछ कॉमन आ रहा है, हाथ से छह कॉमन आ रहा है, तो 2x माइनस 5। अब देखो एट x इक्वल टू 2, ठीक है। तो d2y टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 2, बताओ क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 5, तो कितना हो गया माइनस 6 लेस देन 0, तो क्या हो गया मैक्सिमम। मैक्सिमम और देखो मैक्सिमा है, और सेम चीज एट x इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 माइनस 5 यानी कि 6 ग्रेटर देन 0, तो क्या हो गया। तो चाहो तो ये कर लो और चाहो तो ये लाल वाला कर लो। डबल डिफरेंशिएशन किया, सीधे 2 पुट किया, नेगेटिव आया तो उल्टा मैक्सिमा और पॉजिटिव आया तो मिनिमम। बोलो कि सर ये इतना आसान है ना, क्यों सर आप इतना टाइम पास कर रहे थे, ये सब चीजें इतना डबल कितना ईजी है, एक बार डिफरेंशिएट किया और फिर ये चीज निकल गया खत्म। सिंपल इसमें 2 पुट करना है कितना आसान है, 3 पुट करना है कितना आसान है, यहाँ पे 2 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 3 प्लस निकालो। देखो बच्चों बात तो सही है कि ये ज्यादा आसान है डबल डिफरेंशिएशन, लेकिन एक दो जगह क्या होता है कि जब आप बहुत ही बड़ा फंक्शन है, मान लो कि एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है लॉग ऑफ टेन ई टू दी पावर एक्स इस टाइप का कुछ अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, तो उसका डिफरेंशिएशन इतना बड़ा आएगा, इतना बड़ा डिफरेंशिएशन, मतलब इतना छोटा था डिफरेंशिएट किया तो u बाई वी लगभग के स्क्वायर हो, इतना बड़ा आ गया। तो अब वो इतना बड़ा दिखेगा dy बाई dx कि तुमको डबल डिफरेंशिएट करने की हिम्मत ही नहीं होगी कि सर अगर इसको डबल डिफरेंशिएट किया तो मुझे खुद पे भरोसा है मैं तो गलत करूंगा ही कर, तो प्लीज सर डबल डिफरेंशिएट मत कराओ। तो वहां पे फिर ये चीज तुमको लगेगा कि अगर मैं मान लो कि वहां अगर ऐसे कुछ मान लो कि मैं नहीं बताता, सीधे कहता कि डबल डिफरेंशिएशन निकालो, वैल्यू पुट करो, पॉजिटिव आया तो उल्टा, मिनिमम नेगेटिव आया तो मैक्सिमम, ठीक है। तो अगर ट्रिगोनोमेट्री के कुछ कुछ इक्वेशन से पाला पड़ जाता, जनरली बोर्ड एग्जाम वाले ऐसे क्वेश्चन नहीं देते हैं, किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तुम फंस जाते, डिफरेंशिएशन किया हाथी जितना बड़ा फंक्शन आ गया, वहां पे तुम डबल डिफरेंशिएशन करने में पसीने पसीने हो जाते और गलत तो पक्का ही होता इतना बड़ा फंक्शन था। और फिर तुमको कोई ये बताता अरे यार 5 पे तुमको कह रहा है डबल डिफरेंशिएशन मत निकालो, 5 से कोई छोटी वैल्यू सोचो, क्योंकि देखो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाला, हमें साइन जैसे मान लो कि मैं 2 से कोई छोटी वैल्यू देख रहा हूँ 1.99, तो मैं 1.99 माइनस 2 नहीं करने जा रहा हूँ, हमें तो बस साइन से देखना है मतलब है। तो मैं बस इतना सोचूंगा 2 से कोई छोटी वैल्यू मतलब नेगेटिव, 2 से कोई छोटी वैल्यू मतलब नेगेटिव, ओवरऑल पॉजिटिव, हमें सिर्फ साइन निकालना है, तो साइन बहुत ईजी पता चल जाता है। तो उस जगह पे क्या होगा कि फिर ये बहुत काम आ जाएगा कि तुमको पूरा एक डबल डिफरेंशिएशन बचा देगा, सिर्फ साइन देखो प्लस माइनस निकालो बात खत्म। तो एक तो बड़े फंक्शंस को डील करने में ये काम आता है, और दूसरा ये जगह कि मान लो कि तुमने dy बाई dx निकाला और वो भी जीरो आ गया, सॉरी डबल डिफरेंशिएशन निकाला और वो भी, क्योंकि देखो डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव तो मिनिमा, नेगेटिव तो मैक्सिमा, और अगर यही जीरो आ गया तो ना तो वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव, फिर कैसे काम करोगे। तो अगर d2y टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर आपका जीरो आ जाता है फिर आपको फर्स्ट डेरिवेटिव चेक पे ही जाना पड़ेगा। एक और तरीका है कि बिना फर्स्ट डेरिवेटिव चेक किए अगर d2y टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जीरो आता है, लेकिन उसमें इतने सारे इफ एंड बट्स है, चार पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है, तो उतने सारे इफ बट को ध्यान रखने से अच्छा है कि फर्स्ट डेरिवेटिव चेक निकालो। एक और तरीका है फर्स्ट डेरिवेटिव चेक के अलावा, लेकिन वो मतलब उसमें रटने पड़ेगी चार चीजें, चार अलग अलग कंडीशन में चार अलग चीजें होती है कि उसका कितनी बार जीरो हो रहा है, पावर इवन है कि ऑड है, इवन में फिर अलग कंडीशन होता है, ऑड में फिर अलग कंडीशन होता है, उससे अच्छा है कि फर्स्ट डेरिवेटिव चेक निकालो बात करो, ठीक है। तो ये जानना जरूरी है ना, यस और नो बोलो बच्चों। तो अब देखो क्वेश्चन नॉर्मल आपके फंक्शन भी आएंगे, ठीक है, और रियल लाइफ प्रॉब्लम भी आ सकती है,
वो भी बता दूंगा, वो सौरभ स्पेशल क्लास लूंगा तो बता दूंगा, क्योंकि एक्चुअली ना मैं कुछ क्वेश्चंस कराना चाहता हूँ, अभी तो सिर्फ थियरी थियरी ही की है, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा थियरी हो जाएगा और बहुत पकाऊ हो जाएगा, ठीक है ना। कोई जैसे मैं स्पेशल सेशन अभी एक दो दिन में ही लूंगा तो आप याद दिला देना, मैं स्पेशली आपको तो जरूरी बता दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि वो थियरी वैसे भी याद रखना मुश्किल हो जाएगा और क्लास का भी टाइम खराब हो जाएगा, थोड़े से रुक जाइए, क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे, ठीक है। तो देखो बच्चों, फंडा बस इतना ही है, मैक्सिमा या मिनिमा कब होएगा, जब डिफरेंशिएशन जीरो होगा। डिफरेंशिएशन जीरो करो, एक्स की वैल्यू निकालो, ठीक है। अगर उसपे पक्का जहां जहां एक्स जीरो होगा मैक्सिमा या मिनिमा होगा, फिर मैक्सिमा कैसे पता चलेगा, मिनिमा कैसे पता चलेगा, तो डबल डिफरेंशिएशन निकालो, और उल्टा, डबल डिफरेंशिएशन में उल्टा होगा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा और पॉजिटिव आया तो मिनिमा, ठीक है, डन, चलो। हाँ, अब जैसे सौरभ ने ये क्वेश्चन दिया है तो ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, कुछ कुछ पॉइंट्स बताता हूँ मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड। सबसे पहले मैक्सिमा या मिनिमा अल्टरनेट चलते हैं, जैसे एक मैक्सिमा आया तो फिर मिनिमा आएगा, फिर मिनिमा आया तो फिर मैक्सिमा आएगा, मैक्सिमा आया, दो लगातार मैक्सिमा नहीं हो सकता ना, कैसे होगा दो लगातार मैक्सिमा, बताओ कुछ मुझे कर्व ऐसा बताओ जिसमें दो लगातार मैक्सिमा हो, तुम ऐसे बनाना चाहो तो फिर भी एक मिनिमा तो हो ही गया ना, ठीक है। तो मैक्सिमा और मिनिमा बच्चों क्या होते हैं, अल्टरनेट, एक तो ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा और कुछ बताना था, हाँ, हो सकता है कोई मिनिमा किसी के मैक्सिमा से बड़ा हो, पॉसिबल, या कोई मैक्सिमा किसी के मिनिमा से छोटा हो, इसमें नहीं दिख रहा है क्या, रुको मैं सोचता हूँ, मैक्सिमा मिनिमा ये है क्या, अरे एक मिनट देखो मैं बता देता हूँ, ये देखो, अब ये क्या है, एक मिनिमा है, थोड़ा और नीचे कर, मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये देखिए ना, ये मिनिमा है और ये मैक्सिमा है, बट ये मिनिमा इस मैक्सिमा से बड़ा है कि नहीं, तो कभी पूछ ले ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में, इज दैट पॉसिबल कि ए लोकल मिनिमा इज ग्रेटर देन लोकल मैक्सिमा, तो यस, इज दैट पॉसिबल है कि लोकल मैक्सिमा इज स्मॉलर देन ए लोकल मिनिमा, तो बच्चों को बड़ा अजीब लगा यार, मैक्सिमा मिनिमा से कैसे छोटा हो जाएगा, तो लोकल मैक्सिमा, ठीक है ना, लोकल मिनिमा से छोटा हो सकता है, या लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा से बड़ा हो सकता है, ठीक है। एक तो इसका ध्यान रखिएगा, और मैक्सिमा मिनिमा अल्टरनेट चलते हैं। इसके अलावा इंक्रीजिंग एमसीक्यू कराऊंगा कुछ भी, ऐसे मतलब छोटे छोटे पुड़िया बहुत सारे बता दूंगा, पहले कुछ कुछ क्वेश्चन देख रहे थे, ठीक है ना। तो नॉर्मल क्वेश्चन तो आप स्कूल में कर चुके हैं, फिर भी मैं फॉर्मेलिटिकली एक दो कराता हूँ, और उसके अलावा जो हट के क्वेश्चन है जो स्कूलों में आपने हो सकता है नहीं देखा हो उसको करेंगे। तो एक क्वेश्चन जस्ट इसके रिवीजन के लिए, और आफ्टर दैट फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे। इसके पहले ये देखो, मैक्सिमम मिनिमम देख लिया, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम देख लिया, एब्सोल्यूट मिनिमम देख लिया, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा तो हमने देख कर ही लिया, ठीक है। और आफ्टर दैट लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है, एक किसी एक इंटरवल पे चलता है, ठीक है ना। सी दैट द पॉइंट लोकल मैक्सिमम फंक्शन इन द इंटरवल आई कैन सी सो दैट उस पर्टिकुलर किसी एरिया में इफेक्ट, सिंपल एब्सोल्यूट वाला ये एब्सोल्यूट ओवरऑल डोमेन पे काम करता है, ठीक है। ये डोमेन पे ना काम नहीं करता, ये किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे काम करता है, कि भैया जैसे होता है ना कि कोई आदमी है, वैसे तो दुनिया में कोई नहीं जानता, लेकिन गली में एकदम शेर है, ठीक है ना, गली के चार लड़कों को बुला लेगा, उसमें वो किंग बना हुआ है, ठीक है ना। तो वहां पे क्या हो गया, एक तरह से लोकल मैक्सिमा हो गया। ओवरऑल किंग क्या कहा जाएगा, जो एक्चुअल किंग है, जो कंट्री लेवल पे किंग है या वर्ल्ड लेवल पे किंग है, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमा का मतलब पर्टिकुलर, मैंने कह दिया कि 5 से लेकर 13 तक, तो 5 से लेकर 13 मतलब कि मैं 5 से लेकर 13 तक हर एक एक्स को पुट करूं, फिर हर एक वाई आएगा, उस वाई में जो सबसे बड़ा है वो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हो गया। तो सेम एब्सोल्यूट वाला ही डेफिनेशन चलेगा, बस यहाँ पे एक पर्टिकुलर कोई इंटरवल है, उस इंटरवल में सबसे बड़ा या सबसे छोटा, ठीक है। एंड सेम इज विथ लोकल मिनिमा, उस पर्टिकुलर इंटरवल में उस पॉइंट में हर एक से वो बड़ा होगा, और उस पर्टिकुलर इंटरवल में उस पॉइंट पे हर एक एक से वो छोटा होगा, दैट्स द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल। इसको मैं कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है।
अब आप लोग एक क्वेश्चन कर लो, उसके बाद फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो हो सकता है कि स्कूल में मिस हो गया। तो ये क्वेश्चन बस कर लो बच्चों, और फिर उसके बाद हम लोग मेन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। चलो फटाफट आप लोग करके बताओ, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम बताना है और वैल्यूज भी बतानी है, तुरंत बताओ एकदम एक मिनट में, ताकि क्वेश्चन करना शुरू कर दे। अच्छा हाँ, इसके जस्ट बाद सौरभ मैं आपका क्वेश्चन ले रहा हूँ। तुरंत बताओ बच्चों, ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसका लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा किस पॉइंट पे होगा, और जिस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा या मिनिमा होगा वो एक्चुअल वैल्यू कितना होगा। क्योंकि देखो 8 पे लोकल मैक्सिमा है, इसका मतलब जब 8 पुट करेंगे तो मैक्सिमा आएगा, लेकिन ध्यान रखना कई बार क्वेश्चन धोखा देता है, वो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो वहां पे तुरंत 8 निकाला और 8 कह दोगे तो गलत हो जाएगा। नहीं, आपने x की वैल्यू निकाला आया वो आया 8, इसका क्या मतलब कि 8 पुट करेंगे तो जो y आएगा या जो fx आएगा वो सबसे बड़ा होगा या सबसे छोटा होगा। तो ध्यान रखना है कि मैक्सिमा एट x इक्वल टू पूछा है या एक्चुअल मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, इसका भी ध्यान रखना है। तो तुरंत करो एकदम एक मिनट में, एक मिनट से ज्यादा का ये क्वेश्चन है। मैक्सिमा आ रहा है, मिनिमा आ रहा है सिर्फ 3 पे। क्या हो रहा है सौरभ? मैक्सिमा आ रहा है 1 पे और मिनिमा आ रहा है 3 पे। ठीक है, बाकी लोग भी किए करो बच्चों, करो करो जल्दी करो जल्दी करो। एफ डैश एक्स, कोई भी एक सज्जन बताइए मुझे प्लीज जल्दी से, क्या होगा एफ डैश एक्स बोलो? 3x² - 12x + 9। 3x² सेम आ गया क्या जो मैंने एग्जांपल लिया था? नहीं, और 3 कॉमन ले लूं तो x² - 4x + 3। सॉल्व करके 3 और 1 आई है, तो ये किस पे 0 हुआ? तो यहाँ पे तो मैक्सिमा या मिनिमा होगा 1 और 3 पे। अब वो कैसे पता चलेगा? तो f डबल डैश x निकालेंगे जो कि कितना हो जाएगा 6x - 12। ठीक है ना, बस अब साइन पता कर लो, एट एक्स इक्वल टू 1 तो कितना हो जाएगा 6 - 12, तो -6 < 0 तो क्या होगा? मैक्सिमम। ठीक है, और ऑफ कोर्स अल्टरनेट चलता है, दूसरे में मिनिमा होगा, लेकिन फिर भी चाहो तो निकाल सकते हो। ठीक है, तो 3 पुट करेंगे तो 18 - 12 कितना हो गया 6 > 0 तो मिनिमम। और ऑफ कोर्स ये क्या है, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है? लोकल क्यों है? क्योंकि अगर मैं x की जगह इन्फिनिटी पुट कर दूं तो इन्फिनिटी आ जाएगा ना, तो भीष्म पितामह तो इन्फिनिटी है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार भीष्म पितामह इन्फिनिटी ही हो, वो 2 भी हो सकता है, 72 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस टाइप का फंक्शन है। अब मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख दूं तो ये अपना पूरा भी औकात लगा देगा तो कितना आएगा? √2 आएगा, तो इसका भीष्म पितामह ही √2 हो गया। समझ में आए? तो जरूरी नहीं है कि हर बार एब्सोल्यूट मैक्सिमा इन्फिनिटी हो, डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन करो बहुत ही अच्छा से, फंडा तो समझ गए ना बच्चों आप लोग? यस सर। ये तो फिर हाँ, ये क्वेश्चन आया ना, प्यारा सा क्वेश्चन है। फाइंड द पॉइंट ऑफ द पैराबोला विच इज क्लोजेस्ट टू द पॉइंट 1,4। अरे सौरभ का क्वेश्चन तो नहीं गया, चलो इसके बाद में बताता हूँ सौरभ। ठीक है, रुक जाइए। कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला विच इज क्लोजेस्ट टू द पॉइंट दिस। कह रहा है एक पैराबोला है, ठीक है, y² = 2x, किस टाइप का पैराबोला होगा? क्लास का मैं जनरल नॉलेज चेक करना चाहता हूँ रविंद्र, बताओ कैसा पैराबोला बनाऊ मैं? पहली बात, ये पैराबोला ये तो सबको पता है ना, बोलो इसका शेप कैसा होगा, कैसे बनाओ बताओ बच्चों? देखो अगर कोनिक सेक्शन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, ये अगर आपका 11th मिस हो गया है फिर भी काम चल सकता है, लेकिन कम से कम बेसिक आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा शेप कैसा दिखता है। ठीक है ना, इतनी जानकारी होनी चाहिए, क्यों?
क्योंकि जैसे ही इंटीग्रेशन आपका खत्म होगा, हो सकता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन आए, और डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आएगा तो एक चैप्टर आएगा एरिया अंडर कर्व, उसमें यही रहेगा, एक पैराबोला है और एक सर्कल है, दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो दोनों कट कर रहे हैं, तो ये जो एरिया बना ये इतना, ये इसका एरिया कितना होगा, कहने को तो ये एरिया अंडर कर्व है क्योंकि इंटीग्रेशन का यूज है, लेकिन पहली बात सर्कल बनाना आएगा तब तो, पैराबोला बनाना आएगा तब तो, जो पैराबोला ही ड्रॉ नहीं कर पाएगा वो एरिया तो बहुत दूर की बात है, तो पहले स्टेप पे फंस गया तो कैसे करेगा वो, तो कम से कम इतनी पता होना चाहिए कि अच्छा पैराबोला ऐसा हो रहा है, ऐसा इन द सेंस कि इस इक्वेशन का, मतलब बहुत डीप पैराबोला की, मतलब पैराबोला, सर्कल, हाइपरबोला, इलिप्स, इनकी जो पहली क्लास होती है ना जिसमें सिर्फ शेप बताया जाता है, एटलीस्ट वो आपको आना चाहिए, नहीं तो पूरा आपका एरिया अंडर कर्व बर्बाद हो जाएगा। तो ये एक अलार्म भी है, नोटिफिकेशन भी है, यहाँ भी देखो जरूरत पड़ गया, तो बहुत हार्ड कोर नहीं पढ़ना है कॉनिक सेक्शन, लेकिन सबका पहला पहला लेक्चर आपको जरूर आना चाहिए। तो देखो सबसे पहली बात कि जब दोनों पे स्क्वायर हो तो वो क्या होता है सर्कल, और दोनों पे स्क्वायर हो लेकिन कोफिशियंट अलग हो, 2x² + 3y², तो ये हो जाएगा एलिप्स, एक पे स्क्वायर हो और एक पे नहीं हो तो ये होता है पैराबोला, x² = 2y या y² = 4x, तो ये कितना होता है पैराबोला। तो पहली बात तो एक पे स्क्वायर है दूसरे पे नहीं है तो पैराबोला। अब बनेगा कैसे, तो जिस पे भी स्क्वायर हो उसके अपोजिट के सिमेट्रिक होता है, अपोजिट का क्या मतलब, वाई पे स्क्वायर है तो एक्स के सिमेट्रिक होगा और एक्स पे स्क्वायर है तो वाई के सिमेट्रिक होगा, समझ में आया, जिस पे भी स्क्वायर हो, बोलो मेरे साथ एक बार ताकि याद रहे, जिस पे भी स्क्वायर हो उसके, अरे बोलो बच्चों, उसके सामने वाले के सिमेट्रिक हो, तो y पे स्क्वायर है तो किसके सिमेट्रिक होगा, x के सिमेट्रिक करने का क्या मतलब, x को दोनों तरफ से घेरेगा, या तो ऐसा या फिर ऐसा, पैराबोला का शेप पहली बात कटोरे जैसा होता है, बाउल जैसा ऐसा, तो y पे स्क्वायर हो तो ऐसा या ऐसा होगा और x पे स्क्वायर हो तो ऐसा या ऐसा होगा, y पे स्क्वायर हो तो x को घेरेगा, अब x को इधर घेरेगा कि इधर घेरेगा तो डिपेंड करता है साइन पे, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव के तरफ ही घेरेगा, और वहीं पे -2x होता तो ये पलट जाता उल्टी तरफ, फिर नेगेटिव को घेरता, समझ में आया, चलो तो ये एक पैराबोला है बच्चों। हाँ बोलिए, बाल कुछ था, सॉरी क्या नाम है था? ये क्या है, अरे सिमेट्रिक नहीं बना क्या, तो ये एक पैराबोला है और उस पैराबोला की इक्वेशन बच्चों y² = 2x, ठीक है, और कहीं हवा में ऐसे पॉइंट है 1,4, तो 1,4 से मैं कहीं भी डिस्टेंस ऐसे निकाल सकता हूँ, मतलब ये आगे भी तो जा रहा होगा इधर इधर, तो जो सबसे नजदीकी दूरी होगा वो कितना, ठीक है, जो सबसे नजदीकी दूरी होगा वो कितना, तो सबसे पहली बात पॉइंट दिया नहीं है तो कैसे पता चलेगा बच्चों, बोलो हमें नहीं पता, क्योंकि देखो ये पॉइंट भी मिसिंग, सॉरी ठीक है ये पॉइंट भी मिसिंग है, सौरभ ने आंसर किया है हालांकि 2,2, तो सबसे पहली बात के मान लो सर वो तो बस ये क्वेश्चन सौरभ फिर मैं बता रहा हूँ, विकास का टाइमिंग है ना 2 मिनट रुक जाएगी बस, इतना लोड लेने की टेंशन जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है सब्जेक्टिव में थोड़ा हार्ड कोर पड़ सकता है, अगर ऑब्जेक्टिव हो तो मुझे क्लास में कोई सज्जन, सौरभ 1 मिनट के लिए आप चुप हो जाइएगा क्योंकि हो सकता है आपको पता हो, लेकिन मैं थोड़ा सा चाहता हूँ बच्चे सोचे, मैंने यहाँ पे चलो 4 ऑप्शन दे दिया, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में वादा किया था ऑब्जेक्टिव अप्रोच सिखाऊंगा और धीरे धीरे आपको अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा, -2,2, 3,4, 2,2, डी कुछ भी ले लिया, 4,8,4, ये अब मुझे बताओ, हो सकता है ये क्वेश्चन आपने नहीं देखा हो, नहीं पढ़ा हो, मुझसे मिस हो गया या स्कूल में मिस हो गया और एग्जाम में गए सीयूटी के एग्जाम में या जेई के मेंस एग्जाम में, वहां पे क्वेश्चन आ गया, तो टीचर को गाली देने से कोई फायदा नहीं,
ठीक है ना, हिम्मत रखा करना और जुगाड़ सोचना। मैं कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच अगर आप डेवलप करना शुरू करोगे ना अभी से, और वो चीज एक स्किल होता है, वो सीखना पड़ेगा, हर चीज में अलग अलग तरीके से लगता है, ठीक है ना, हर अलग, लेकिन बहुत हार्ड नहीं होता। अगर आपका वो टेम्परामेंट रहेगा ना कि हर एमसीक्यू को पहले मैं जुगाड़ तरीके से सोल्व करने की कोशिश करूंगा, तो सब पे वो चीज अप्लाई नहीं होगा, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में लग जाए, और हर क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव अप्रोच अलग अलग होगा, बट फिर भी एंड एंड तक आप वो चीज सीख जाओगे और 8-10 क्वेश्चन पक्का निकाल दोगे, ये मेरी गारंटी है। तो बताओ इस क्वेश्चन में जब ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये ऑप्शन है, तो कैसे जुगाड़ तरीके से आप करोगे एकदम क्विकली, बोलो जल्दी जल्दी बोलो कैसे करोगे बच्चों, बताओ, बताइए अंजलि, सोचो, हेलो शिल्पा, बताइए क्या होगा ऑब्जेक्टिव अप्रोच, क्या होना चाहिए आपका, सलोनी बोलो, कुछ तो सोचो बच्चों, कुछ तो दिमाग लगाओ कि सर चार ऑप्शन दिया हुआ है। अरे सबसे पहली बात, एक क्लोजेस्ट पॉइंट निकालना है, तो ये जो भी पॉइंट होगा वो डेफिनेटली किसी ना किसी कर्व, इस कर्व पे होगा ना, क्योंकि हमें इस कर्व से भी नजदीकी दूरी चाहिए ना, तो जो भी मेरा आंसर होगा डेफिनेटली इस कर्व पे होगा कि नहीं, इतना बताओ, ये स्वर्णो होगा ना, तो जो भी नजदीकी पॉइंट होगा इस कर्व पे होगा, तो वो पॉइंट इस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, बताओ, करना चाहिए ना, क्योंकि वो पॉइंट इस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब इस कर्व पे ही नहीं है, तो अगर कर्व पे नहीं है तो यहाँ यहाँ है, तो उससे मैं दूरी निकाल के क्या कर लूंगा, तो पहले पुट करो y का स्क्वायर 4 और x माइनस 2 पुट किया, माइनस 4, ये पॉइंट इस कर्व पे नहीं है, काहे की दूरी, इसको पुट करो y का स्क्वायर 16 और x 3 12, 16 इक्वल टू 12, ये भी इस पे नहीं है, ये पुट करो x की जगह 2 तो 4 और y 2 का स्क्वायर 4 तो 4 इक्वल टू 4, हाँ ये पॉइंट इस कर्व पे है, इसको पुट करो x की जगह 2 सॉरी x की जगह 8 तो 2 गुना 8 16 और y 4 का स्क्वायर 16, हाँ ये भी इस पॉइंट पे, तो ये दोनों पॉइंट इस कर्व पे है और ये दोनों है ही नहीं, तो पहली बात ए और बी तो आंसर ही नहीं है। अब दो पॉइंट निकल गया भाई, उतनी अच्छी किस्मत नहीं है, अगर मान लो कि ये भी सेटिस्फाई नहीं होता, फिर तो बात ही क्या थी, फिर तो बस सीधे देखा भाड़ में गया पैराबोला और ये और वो, कोलोजिस्ट आंसर आ चुका है, लेकिन मान लो कितनी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है, तो हमें क्या चाहिए, क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट का क्या मतलब, इससे नियरेस्ट डिस्टेंस, तो अब तो पॉइंट पता है ना कि या तो ये होगा या फिर ये होगा, तो एक बार 10th क्लास का अप्रोच निकालो, दूरी निकाल के देख लो, मान लो कि ये भी कर्व पे है और ये भी कर्व पे है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में जो नजदीक आएगा वो आंसर हो जाएगा, तो इससे दूरी निकालो सिंपली 10th क्लास का अप्रोच, तो 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4, क्या हो गया रूट 5, इससे दूरी निकालूंगा तो 8 माइनस 1 7, 7 का स्क्वायर 49 और 0 तो कितना गया 7, तो 7 और रूट 5 में ऑफकोर्स रूट 5 छोटा है, तो ये आंसर हो गया, ना पैराबोला की जरूरत पड़ी, ना स्केच बनाने की जरूरत पड़ी, ना कुछ करना पड़ा, बस दो तो कर्व पे ही नहीं है भाई, ये दो है तो ये दूरी और ये दूरी में ये छोटा है, हमें छोटा दूरी चाहिए था, बस आंसर खत्म, पूरे उनके प्रोसेस को ही बाईपास कर दिया, उनका मकसद क्या था कि बच्चे को देखना कि पैराबोला आता है कि नहीं, डिस्टेंस कुछ एज्यूम करना आता है कि नहीं, उस डिस्टेंस को मिनिमाइज करना आता है कि नहीं, सबको हमने ऐसी तैसी कर दी थोड़े से जुगाड़ से, तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हर क्वेश्चन पे ऐसा लग जाएगा, लेकिन 50 क्वेश्चन मान लो किसी एग्जाम में है, 10 पे भी तुमने मगर निकाल दिए ना, तो काफी आगे बढ़ जाओगे, तो हमेशा बच्चों ये अप्रोच रखना। चलो अब सब्जेक्टिव तरीके से करते हैं फटाफट फटाफट, ठीक है, तो मान लिया कोई भी पॉइंट क्या है बच्चों, एक्स कॉमा वाई है, कोई भी रैंडम पॉइंट एक्स कॉमा वाई है, और ये है ए और ये है बी, और हमें क्या चाहिए, ए बी सबसे छोटा चाहिए, यही ना, ठीक है, हमें ए बी डिस्टेंस सबसे कम चाहिए, तो ए बी हमें चाहिए मिनिमम, अच्छा ए बी अगर सबसे छोटा होगा तो उसका स्क्वायर भी सबसे छोटा होगा ना, ऑफ कोर्स चार नंबर दूं तो उन चारों नंबर में जो सबसे छोटा होगा उसका स्क्वायर भी सबसे छोटा होगा, स्क्वायर इसलिए क्योंकि देखो ना डिस्टेंस के फॉर्मूले में रूट आता है, तो स्क्वायर इसलिए मिनिमम निकालोगे रूट सबके झंझट से हम बच जाएंगे, नहीं तो रूट अगर फंस गया ना तो बहुत तकलीफ देगा वो, तो ये हमें मिनिमम चाहिए। अच्छा बताओ ना आप, तो बताओ बच्चों ए बी क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ या भूल गए, बताइए ए बी स्क्वायर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, बोलो, हेलो, अंडर रूट ए एक्स, अरे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ बच्चों,
ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर और प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर, ये हमें चाहिए मिनिमम। अब बस इसमें छोटा सा काम क्या करना है, वाई के या एक्स की जगह क्या पुट कर देना है, ये चीज, मतलब एक्स को सब्स्टिट्यूट कर लो या वाई को सब्स्टिट्यूट कर लो, तो वाई को सब्स्टिट्यूट करना थोड़ा मुश्किल होगा, वाई की जगह क्या हो जाएगा रूट टू एक्स, अगेन रूट तकलीफ देगा, उससे अच्छा एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दो। तो बताइए ना एक्स की जगह मैं क्या लिख दू इसके अकॉर्डिंग, वाई स्क्वायर बाई टू, तो एक्स की जगह मैं लिख देता हूँ वाई स्क्वायर बाई टू माइनस वन का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस फोर, ये चीज हमें चाहिए मिनिमम। अब एक नॉर्मल क्वेश्चन बन गया कि नहीं, कि मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं और मुझे चाहिए कि ये इक्वेशन की वैल्यू मिनिमम आए, तो क्या करते हो आप, वही करो, बस सिर्फ इतना लगाना था। और देखो क्वेश्चन शुरू में देखने में कितना टफ लगा कि बाप रे एक हाइपर पैराबोला है, वहां से मिनिमम दूरी चाहिए, पता नहीं कैसे है, कुछ नहीं, नॉर्मल डिस्टेंस फॉर्मूला 10th क्लास का बच्चा जानता है। अब एक सब्स्टिट्यूशन, वाई की जगह एक्स रख दिया, एक नॉर्मल सा इक्वेशन आ गया, वो आप ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हो, बस फर्क क्या है, यहाँ एक्स दिख रहा है वहां वाई दिख रहा है, क्या फर्क पड़ा, तो दो स्टेप और इतना भौकाल क्वेश्चन एक छोटे से इक्वेशन में बदल गया। अब ए बी स्क्वायर मिनिमम चाहिए, मतलब इक्वेशन मिनिमम चाहिए, इक्वेशन मिनिमम कैसे होता है, डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू जीरो करो, जो वाई की वैल्यू आएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर देख लो, जिस पे पॉजिटिव होगा उस पे मिनिमम होगा, और जो वाई की वैल्यू आ जाए तो वाई आते ही इसमें पुट करके एक्स आ जाएगा, और वाई से एक्स आ गया तो पॉइंट आ गया, खत्म क्वेश्चन, गॉट इट, तो बस अब कर ही लेते हैं ना। तो ये क्या हो गया बच्चों, एफ ऑफ वाई निकाल ही ले क्या, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी ना, तो टू से टू कट जाएगा और प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एट वाई प्लस सोलह, ये हो गया एफ ऑफ वाई, करेक्ट, सही है। अब बस इसके डिफरेंशिएशन क्या, अच्छा वाई स्क्वायर कट गया क्या, पहली बात ए स्क्वायर और माइनस टू ए बी, तो टू इंटू टू तो माइनस वाई स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है ना, और ये ए स्क्वायर टू ए बी स्क्वायर, बहुत अच्छी बात है, ये वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया तो हटा ही ले दो आप, और माइनस एट वाई सुबह एक कितना हो गया सत्तर, तो एफ डैश वाई क्या होगा, चार चार नीचे आ जाएगा तो वाई क्यूब माइनस एट, तो टू बी मैक्सिमम और मिनिमम। अब तो बच्चों आप लोग खुद ही निकालो, कौन इतना व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है, एफ डैश वाई क्या होना चाहिए जीरो, एफ डैश वाई क्या मतलब वाई क्यू माइनस एट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ तो स्क्वायर का भी झंझट नहीं है, प्लस माइनस आएगा तो वाई कितना आ गया टू। अब जैसे ही वाई टू आया तो इसमें वाई की जगह टू पुट करो, ठीक है, फॉर वाई इक्वल टू टू, एक्स कितना आ गया बच्चों टू का स्क्वायर फोर और फोर इक्वल टू टू एक्स, तो एक्स में कितना आ गया टू, तो सो द पॉइंट इज, कितना आसान है बच्चा। अच्छा देखो ये तो देता तो कोई भी बच्चा कर लेता ना, मैं ये इक्वेशन देके पूछता कि मुझे मिनिमम बताओ, कोई भी बता देता, सबने स्कूल में कर रखा है, बस दो लाइन ऐड करना है और इतना बड़ा क्वेश्चन बदल गया, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैथ्स में मैं आपको 500 एग्जांपल दूंगा कि वो क्वेश्चन अगर आपने कर लिया है तो आप एकदम जैसे आप इस टाइप के मैं क्वेश्चन बच्चों कर ही देते तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर नहीं किया हुआ है तो लगेगा कितना बाप रे कितना बड़ा क्वेश्चन है ये, कितना बड़ा क्वेश्चन है। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन दो, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन इसे मैच करता हुआ, और आफ्टर दैट क्या करो बच्चों, हाँ अब इसलिए क्या किया थोड़ा शब्दों में बदल दिया, देखो तो ये क्वेश्चन करो बच्चों, इसके बाद में सौरभ का सोल्यूशन बताऊंगा, इन्होंने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है एंड फिर छुट्टी, चलो। अच्छा इसका वो भी कर दूं क्या, इसका ऑप्शन दे दूं क्या, ताकि एक बार ऑब्जेक्टिव अप्रोच से कर सको, रुको एक मिनट इसका ऑप्शन देता हूँ, यस इस क्वेश्चन का मैं एक मिनट रुक जाऊं, वो ऑप्शन भी देता हूं, और जब तक ट्राई करो मैं दूंगा तो जो क्या करना, और तो वो देख लेना इसका,
क्या है एनिमिना फ्लाइंग जेट है क्या कहीं पे? तो एक काम करूं क्या, मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं क्या? करो करो, अभी तो सब्जेक्टिव तरीके से कर लो, ठीक है? एमसीक्यू जब आएगा तो उसके अकॉर्डिंग करना, या दूसरा पॉइंट दे दूंगा, ठीक है ना? अभी तो इसमें नहीं है, सब्जेक्टिव होगा एमसी, इसका ऑप्शन बना दूं क्या? नहीं, चलो सब्जेक्टिव तरीके से करके बताओ जल्दी। तो ये क्वेश्चन करो, फिर सौरभ ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है, एक्चुअली वो पूरा अपने आप में एक थ्योरम है, उसको करूंगा और फिर छुट्टी करूंगा। जल्दी से बताओ बच्चों, चलो सेम पहले वाले वही क्या किया है, पहले वाले वही क्या किया है, थोड़ा सा क्या किया है, शब्द वब्द जोड़ दिया है कि एक एनिमी जेट फ्लाई कर रहा है, ये कर रहा है तो एक कर्व, ना एक कर्व का एक पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस देखना है, बात खत्म। आंसर किया क्या किसी ने? शिल्पा, ये तो आपने पिछला क्वेश्चन का आंसर किया ना? अरे कितने ये मैसेज भाई, कितने मैसेज, जल्दी करो, इसका तो आंसर चाहिए मुझे, क्योंकि जस्ट इसके जैसा एक क्वेश्चन बताया हूं, तो सभी लोगों से चाहिए, तुरंत करो इसको, इसको किए बिना छुट्टी नहीं है। रूट फाइव देखे ना शिल्पा, आपने क्या रूट फाइव तो कुछ एक्स या वाई आया होगा ना, एक्स या वाई रूट फाइव आया होगा ना, ठीक है? फिर उस हमें तो पॉइंट चाहिए ना, अच्छा नियरेस्ट डिस्टेंस, ठीक है ठीक है। अच्छा मान लो बच्चों थोड़ी देर के लिए कि आपको कर्व नहीं बनाना, ये पैराबोला है तो क्या फर्क पड़ता है, मान लो कुछ भी रैंडम कर्व है, अगर पैराबोला नहीं भी अगर आपको आता है तो कर्व, एग्जैक्ट कर्व बनाना किसमें जरूरी है, एरिया अंडर कर्व में। इस वाले क्वेश्चन में अगर आपको एग्जैक्ट कर्व नहीं भी बनाना था तो भी कोई दिक्कत है, मान लो कुछ भी ऐसे एक जेट इस तरह से घूम रहा है, उसका इक्वेशन ये, अब वो चाहता है दुश्मन जो बैठा हुआ है 3.2 पे, 3.2 कहीं होगा यहाँ पे, मान लो यहाँ पे 3.2, तो वो चाहता है मेरे एकदम नजदीक आ जाए तो मैं उसको उड़ाऊं, तो बिल्कुल नजदीक ये होगा, ठीक है? चलो तो ये है ए और ये है बी, तो बी रैंडम, देखो कर्व है तो एक्स कोमा वाई तो कोई मना नहीं कर रहा है ना, एक्स कोमा वाई तो हो गए, वाई तो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, तो सिंपली हमें क्या चाहिए, ए बी मिनिमम, बात खत्म, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हमें चाहिए बच्चों ए बी मिनिमम, तो ए बी स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स मिनिमम, अगर वो 1 से बड़ा है तो, ठीक है? तो अब ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब एक नया काम करना है, वाई की जगह ये पुट कर देना है, एक्स तो एक्स ही हुए है, वाई तो वाई की जगह क्या पुट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, और माइनस 2 बेचारा तो अपनी जगह पे है, तो एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और 2 कितना अच्छा कट गया, फिर एक्स स्क्वायर बचा और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4, लो क्वेश्चन खत्म। तो एफ ऑफ एक्स क्या बच गया यहाँ पे, एक्स की पावर 4, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करूं तो ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, राइट? ठीक है, तो ये हो गया एक्स की पावर 4 ए स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 4x³ प्लस 2x माइनस 6। अब नाउ एफ डैश एक्स को क्या कर दो, 0, तो उससे 2 कॉमा, या चलो पहले लिख दो उसके बाद कॉमा, तो 2 अगर कॉमा ले रहे बच्चों तो क्या, अच्छा एक्स क्यूब भी आया है ना, तो क्या हो गया 2x³ माइनस x माइनस 3,
ठीक है। अच्छा एक्स अगर वन की जगह माइनस वन पुट कर दे तो कुछ हो रहा है क्या, वन पुट कर दे तो टू क्यूबिक इक्वेशन में थ्री ना, पर एक मिनट रुकना, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर वाई का होल स्क्वायर, y की जगह x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 कट गया, उसके बजाय x स्क्वायर के बराबर 4 ठीक है। चार एक्स स्क्वायर टू एक्स माइनस एक्स, टू कॉमन ले गया तो 2x क्यूब प्लस x माइनस 3, तो इसमें हमें चाहिए x की वैल्यू, तो एक बार देख लेते हैं रैंडम कुछ वैल्यू पुट करके चेक करें क्या, वन पुट करो माइनस वन पुट करें क्या, नहीं टू पुट करेंगे, 16 थ्री नहीं नहीं थ्री से भी नहीं हुआ, अच्छा एक मिनट तो अगर मैं ये कर लू टू एक्स कॉमन ले लू तो टू एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू क्या आ जाएगा थ्री, ये थ्री और ये वन होना चाहिए, तो ये वन का हो जाएगा एक्स नहीं वन हो जाएगा, ये थ्री ये वन और थ्री हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा फोर एक्स ले यार, थ्री तब होगा जब थ्री इंटू वन होगा या वन इंटू थ्री होगा, सर यहाँ पे प्लस टू था आपने माइनस टू कर दिया ना, वन आ जाएगा सर, सर यहाँ पर फोर एक्स क्यूब प्लस टू एक्स माइनस सिक्स था आपने यहाँ पर माइनस ले लिया नीचे, ये ना हाँ, तो अब तो सिंपल एक्स की जगह वन ठीक है, x की जगह एक तो वन पुट करने से हो जाएगा ठीक है। अच्छा एक मिनट एफडेस एक्स जीरो ना, तो ये जीरो ये जीरो, तो दो लेकिन इक्वेशन आना चाहिए ना, एक काम करते हैं x माइनस वन से क्या कर दे डिवाइड कर दे क्या, वन पुट करने में तो आ ही रहा है तो टू एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर, तो माइनस प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, और फिर टू एक्स भी तो चाहिए ना, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x, तो माइनस एक्स माइनस 3, तो 2x क्यूब और ये हो गया माइनस 2x स्क्वायर, ये प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस 2x, तो माइनस 2x तो प्लस 3x हो जाएगा ना, ये प्लस तो 3x माइनस 3 तो प्लस 3, तो ये अगर मैं बात करूं वैसे तो ये हो जाएगा x माइनस वन और टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, नाइन्थ क्लास में पढ़ाते हैं ये चीज के क्यूबिक इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं, तो एक रैंडम x निकालो और बाकी उसमें पुट कर दो, तो इसका देखो अगर तुम d निकालो तो ये नेगेटिव आ गया, इसका d नेगेटिव है मतलब ये तो कभी जीरो होगा ही नहीं, इसका जब d क्या है नेगेटिव तो ये तो कभी जीरो नहीं होने वाला, तो बाकी सिर्फ से सिर्फ क्या होगा एट एक्स इक्वल टू वन पे जीरो, क्योंकि अगर ये जीरो हो सकता है इसका मतलब दो तीन पॉइंट्स निकलते हैं, फिर उसको देखना पड़ता है, तो एक्स इक्वल टू वन जैसे ही आया तो उसमें यहाँ पे पुट करेंगे तो वन का स्क्वायर वन और प्लस टू, तो वाई कितना हो गया थ्री, अब बस दो पॉइंट आ गया उसका डिस्टेंस निकालो वाई इक्वल टू थ्री, तो वन कॉमा थ्री से डिस्टेंस निकालना है किसका और थ्री कॉमा टू, तो ए भी कितना हो जाएगा थ्री माइनस वन टू, टू का स्क्वायर फोर और वन ये कितना हो गया रूट फाइव, ठीक है। अब लास्ट सौरभ ने क्वेश्चन पूछा है उसको करते हैं, फिर इनका क्वेश्चन है स्टार्टिंग में पूछा ना, हाँ फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम, इसकी वैल्यू 3x टू द पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर और फिर क्या है माइनस 48x प्लस 25, और उसमें एक इंटरवल भी दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि सीधे कहीं भी मैक्सिमम और कहीं भी मिनिमम, तो देखो हालांकि ये भी अपने आप में टॉपिक ये पढ़ाने वाला था कि नॉर्मल मैंने क्या बताया कि जब भी कोई फंक्शन दिया हो तो उसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी आया उसको इक्वल टू जीरो करो, इक्वल टू जीरो करने के बाद सोल्व करो, जो एक्स आया उस एक्स पे क्या करो मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा राइट, लेकिन जब भी एक इंटरवल दिया हो और खास करके क्या हो क्लोज्ड इंटरवल दिया हो,
तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि मान लो बच्चों मैंने एक कर्व बनाया इस टाइप का, पर मैंने कहा ये ऐसा है कि मुझे यहां से कुछ भी मान लो थोड़ा इसको नीचे कर देंगे, दो मिनट का बस एक थियरी है, देखो इसके बीच मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमा या मिनिमा। तो आपने डिफरेंशिएशन किया, इक्वल टू जीरो किया, एक दो तीन पॉइंट निकल के आया, क्योंकि आपको इतने में ही देखना ना, ठीक है। हालांकि आएगा तो ये भी, लेकिन वो रेंज से बाहर चला गया, रेंज से बाहर चला गया, तो आप मैक्सिमम बोल दोगे ये, ठीक है। आपने क्या किया कि यहां से लेकर के और यहां के बीच आपको मैक्सिमम और मिनिमम बताना था, आपने एक दो तीन चार पॉइंट निकाला, उस चार पॉइंट में सबसे बड़ी वैल्यू आई है, आपने कह दिया ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम। इस टाइप कुछ इसको थोड़ा और ऊपर कर लो, आप मिनिमम बोल दो भैया और मैक्सिमम बोल दो भैया, लेकिन ये हो गया गलत, क्योंकि जो उन्होंने इंटरवल दिया था उसमें तो मैक्सिमम वैल्यू ये है ना, है कि नहीं। मान लो कि यहाँ पे कट नहीं भी कर रहा हूं, जरूरी नहीं कि यहाँ पे कट ही करे, ये ऐसा सीधा स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है। तो यहां तो चूंकि स्ट्रेट जा रहा तो डीवाई बाई डीएक्स जीरो नहीं होगा ना, मिनिमम वैल्यू तो ये हो गया ना, इससे नीचे तो कोई नहीं है, तो यहाँ पे तो चूंकि सीधा सीधा ऐसे जा रहा था, यहाँ पे तो डीवाई बाई डीएक्स जीरो नहीं होगा, तो आप तो फंस गए। आपने कहा था मैक्सिमम ये, लेकिन मैक्सिमम ये आ रहा है, आपने कहा मिनिमम ये, लेकिन मिनिमम ये आ रहा है उससे भी नीचे, तो गलत हो गया। सामने वाला बंदा पुट कर, जैसे मान लो कि 3 to 7 है, ये 3 है और ये 7 है, तो आप कहोगे मैक्सिमम वैल्यू ये है, वो इसकी जगह 3 पुट करेगा और ये वैल्यू आ जाएगा, देखो 3 पुट करने पे उससे भी बड़ी वैल्यू आ रही है, तुम कह रहे हो मिनिमम ये, लेकिन मैंने 7 पुट किया तो उससे भी छोटी आ रही है। तो जब भी आप सेम तरीका से अप्रोच करो, जब भी एक क्लोज इंटरवल दिया हो, तरीका वही रहेगा, डीवाई बाई डी एक्स निकालना है, इक्वल टू जीरो करना है, जो भी एक्स या वाई आया उस पर मैक्सिमम या मिनिमम होगा, लेकिन साथ के साथ जहां से जहां तक दिया है एक बार वो भी पुट कर लेना है, क्योंकि मान लो जो इंटरवल दिया है हो सकता है कि वहां पे सीधे जा रहा हो और कट कर नहीं कर रहा हो, तो देखो डीवाई बाई डी एक्स मैक्सिमम मिनिमम किसको पकड़ पाएगा, जहां पे मुड़ेगा, ये नहीं मुड़ते हुए भी मैक्सिमम हो गया ना, ये नहीं मुड़ते हुए भी मिनिमम हो गया ना, तो नहीं मुड़ते हुए भी मैक्सिमम मिनिमम कहाँ हो पाएगा, जहां पे स्टार्ट हुआ या जहां पे एंड। तो जब भी क्लोज इंटरवल दिया हो तो एक्सपेक्टेड है कि जो एंड पॉइंट हो 0 और 3 वहां भी क्या करो, एक बार चेक करो डायरेक्टली, उसको चेक करके, तो सेम अप्रोच क्या करेंगे, इसको अभी सोल्व करेंगे, बस इसको डिफरेंशिएट करना है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, f(x) 12x³ + 24x² + 24x - 48, यही ना, 12x³ + 24x² + 24x - 48। अब f(x) को क्या करना है, इक्वल टू जीरो, तो ये 12 कॉमन ले रहा हूं मैं, तो x³ + 2x² + 2x, अरे क्या हो गया आजकल मुझे, प्लस कितना हो गया 2x और -4 = 0। तो ये क्यूबिक इक्वेशन पे एक बार 1 पुट करेंगे, अच्छा एक मिनट, ये सही आया ना, 12x³ + 24x² - 48, ठीक है। तो 12 को मैं तो x³ + 2, 2 और 4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके क्या, अच्छा ये क्यूबिक इक्वेशन है ना, तो जो भी x या y आएगा इसमें पुट करके देखना, और साथ में साथ f0 भी निकालना और f3 भी निकालना। तो ये जो 3x आएगा उनपे जो ये वैल्यू देगा, और वो अगर f0 और f3 से भी छोटा हुआ तब तो वो मिनिमम हो जाएगा, लेकिन उन तीनों x को पुट करने पे और 0 को पुट करने पे, अगर 0 पे सबसे छोटा आया तो मिनिमम 0 पे होगा, या हो सकता है कि मैक्सिमम आ जाए। समझ में आया सौरभ? हेलो, सर एक रूट तो इसका x -1 आया, -1 करके देखे क्या, एक मिनट, -1 पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो हो जाएगा प्लस और 4 1 पे आएगा, 1 पे कहां आ रहा है, ये तो 5 हो गया ना बच्चे, और -1 पे कितना हो जाएगा, ये 2, और ना -1 पे तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव चला जाएगा। सो मैंने चैट में आंसर दे दिया,
दो देखो ना, या तो वन या माइनस वन काम नहीं किया, टू माइनस टू एक बार देख लेते हैं। देखो टू पुट कर रहा हूँ तो बेवकूफी है, टू तो पता नहीं कितना ज्यादा आ जाएगा, तो टू पे तो ये जीरो हो ही नहीं सकता, तो माइनस टू एक बार देख लेते हैं। माइनस आठ दोना चार दोना आठ, और माइनस दो पे, अरे यार दो पे माइनस आठ में चार दोना आठ, ये हो गया, और दो पे ये माइनस दो पुट किया ना, तो माइनस चार और माइनस चार, ऐसा कैसे हो जाएगा? दो पे भी नहीं हो रहा क्या? सॉरी दो पे तो होगा नहीं, बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, माइनस प्लस आठ और माइनस चार। अच्छा ये प्लस, ये माइनस 48 है, माइनस 8 था सर, माइनस 8 था। एक मिनट आपको क्वेश्चन देखूं मैं, मुझे कुछ साइन की जरूरत है। माइनस 8 क्यूब था, 8 एक्स क्यूब है, थ्री एक्स, ये माइनस है ना, तभी तो मैं कहूँ yes. ये माइनस होगा ठीक है, और ये प्लस ठीक है, तो ये माइनस तो बच्चे ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखो ये किस पे जीरो, वन पुट करें तो कितना हो जाएगा, दो एक तीन, और ये एक बार मेरा आंसर चेक कर दो, एक मिनट रुक जाइए बस। अब एक मिनट, वन पुट करें तो ये तो होगा नहीं ना, दो और माइनस दो, ये टू पुट करें तो आठ माइनस आठ चार, हाँ दो पे हो गया ना, ठीक है, तो x माइनस टू से एक बार क्या करो, डिवाइड करो। अच्छा अंजलि आपने आंसर किया है, तो टू से डिवाइड करने पे कौन कौन सा फैक्टर आया, एक मिनट दो सर, मैंने दिया आंसर, टू से एक बार डिवाइड करके देख ही ले क्या सर, टू से डिवाइड किया तो x स्क्वायर प्लस टू आया था, x स्क्वायर प्लस टू, एक बार इंटू करके देख लेता हूँ, तो ये हो गया x क्यूब, और x स्क्वायर कौन कौन सा आएगा, माइनस टू एक्स स्क्वायर, हाँ x का क्या क्या आएगा, टू एक्स और माइनस टू, सही है, तो x स्क्वायर प्लस टू तो कभी जीरो होगा नहीं, तो एट x इक्वल टू टू, ठीक है। तो हमें तीन चीजें निकालनी पड़ेगी इसमें, एक तो f2 निकालना पड़ेगा, f0 भी निकालना पड़ेगा, और f3 भी निकालना पड़ेगा, और f0 और f3 क्यों निकालेंगे ये तो आपको पता है ना, यस सर, क्योंकि यहाँ पे धोखा हो सकता है, तो टू निकाला तो उसके बाद वैल्यू देख लीजिए, जीरो पे देख लीजिए, तो जीरो निकालेंगे तो कितना जाएगा 25, और एफ टू शायद अंजलि आपने निकाला है वो कितना गया माइनस 39, और एफ थ्री कितना है आपका, थ्री निकाला है क्या सर, शिल्पा ने निकाला है, शिल्पा चलो ठीक है, एफ थ्री एक एफ टू कितना गया माइनस 39, एक मिनट, और एफ जीरो आ गया 25, एफ थ्री निकाला है क्या, अच्छा निकाल लेता हूँ, तीन के नौ 81 गुना तीन 243, और 108 और 3 गुना 48 तो 120 और माइनस 144 और प्लस 25, ये एक बार देख लेते हैं बस फाइनल आंसर, तो 343 है, 351 और 25, 376 और माइनस 140, 216 तो 0, 160, ये फंस गया देखो F3 पे, ठीक है, तो 2 पे कितना आया माइनस 39, तो मिनिमम हो गया माइनस 39 और मैक्सिमम हो गया 160, समझ में आया सौरभ, ठीक है, तो बस सेम प्रोसेस यूज होगा, सेम प्रोसेस होगा, बस ध्यान आपको क्या रखना है कि जब भी क्लोज इंटरवल में दे तो एक बार इन पे भी आपको वो निकालना पड़ेगा, एफ दिस भी निकालना पड़ेगा और एफ दिस भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, ओके okay? हाँ बताइए अंजलि कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं क्या आप सर, एक बार ना इस क्वेश्चन के स्टेप्स एक बार क्वेश्चन का स्टेप्स सर कि पहले ही होगा सर, थोड़े मुझे कंफ्यूजन हो रही है, देखिए मैक्सिमम एंड मिनिमम पूछा था, ठीक है, ओके इसी इंटरवल में, तो मैक्सिमम मिनिमम निकालने का बच्चे तरीका आपको आता है कि पहले इसको डिफरेंशिएट किया तो ये हुआ, ठीक है, अब डिफरेंशिएशन जो भी आया उसको जीरो करना पड़ता है फॉर मैक्सिमम एंड फॉर मिनिमम, ठीक, तो एफ डैश एक्स को जीरो किया मतलब इसको जीरो करना पड़ेगा, और इसको जीरो करने के लिए 12 कॉमन था तो 12 कॉमन ले लिया, यहाँ पे देखो ना टू पुट करेंगे तो आठ और माइनस आठ और चार माइनस चार जीरो हो गया, तो टू पुट करने पे ये जीरो आ गया, तो नाइन्थ क्लास याद करो क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज कैसे करते थे, फिर एक्स माइनस टू से इसको डिवाइड करेंगे,
तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस टू, मैंने इन टू करके भी चेक कर लिया है, सही एक्स स्क्वायर प्लस टू ही होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता ना, एक्स स्क्वायर प्लस टू ये तो हमेशा पॉजिटिव है, 12 हमेशा पॉजिटिव है, तो ये एक ही कंडीशन में जीरो होगा जब एक्स इक्वल टू टू होगा, तो यानी कि टू पे मैक्सिमा या मिनिमा होगा। तो एक तरीका तो और है कि फिर से डिफरेंशिएट करो इसको, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है ना, हमें बस या तो टू पे मैक्सिमा या मिनिमा होगा या जीरो पे होगा या थ्री पे होगा, तीनों वैल्यू पुट करके निकाल लिया, टू पुट किया तो -39 आया, जीरो पुट किया तो 25 आया, और थ्री पुट किया तो 160 आया। तो सिंपली मिनिमम वैल्यू दिख रही है ना, तो डबल डिफरेंशिएशन का जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की भी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा सामने दिख रहा है कि टू पुट किया हूं तो -39 आया है, तो जब वो सबसे छोटा है तो क्या जरूरत है डबल डिफरेंशिएशन या कुछ भी और करने की। सामने सर एफ थ्री करने पे 16 आ रहा है सर, जीरो ही होगा। क्या 16 आ रहा है सर? एफ थ्री थ्री वैल्यू डालकर देखा तो इसमें से 16 आ रहा है। 16 आया F3 पे 160 आ रहा है ना, तो सिंपली 16 आ रहा है सर, 16 आ रहा है क्या? यस सर। कुछ साइन की गड़बड़ी हुई क्या? एक चेक मिनट, चलो स्टिल मान लिया कि चलो 16 ठीक है, तो अभी आपका जीरो पे अच्छा F0 आ गया ना ये चीज, तो सिंपली वैल्यू निकाला 3, 2, 0, 3, इनमें जो सबसे छोटा है वो मिनिमा और जो सबसे बड़ा है वो मैक्सिमा। एक अलग से क्वेश्चन क्या करना है, जो भी अप्रोच है उसमें एक अलग से काम क्या करना है कि आपको जहां से स्टार्टिंग और एंड पॉइंट डालना है अपार्ट फ्रॉम दिस। तो ये जो हमने अभी पढ़ा है मैक्सिमा मिनिमा ये निकालने का डीवी बाई डी एक्स, तो जब भी एक क्लोज इंटरवल दे दे तो आपको एफ ए और एफ बी भी निकालना पड़ता है, उसमें मैक्सिमा मिनिमा देखना पड़ता है, ठीक है ओके। तो 10 क्वेश्चन का बच्चों अभी मैं क्या करूंगा, आप लोगों के ग्रुप में क्वेश्चन भेजूंगा, ठीक है ना, इसी पे बेस्ट रहेगा, वो अगली क्लास से पहले पहले करना है। हाँ, टेस्ट जो है आपका कल ही है, ठीक है ना, अगेन सेम लास्ट वीक पैटर्न पे होगा, 9:30 से स्टार्ट होगा और रात के 10:30 तक चलेगा, किसी भी टाइम आप 1 घंटे कर सकते हैं। 10-10 क्वेश्चन के क्या रहेंगे, 3 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के 10-10 क्वेश्चन है, ठीक है ना। पिछली बार हो सकता है केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कुछ ऐसे आउट ऑफ सिलेबस भी आ गए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, ठीक है, बकायदा प्रूफ रीडिंग हुआ है 2 बार, और मैथ्स का जो सिलेबस है ये भी नहीं है, मैक्सिमम मिनिमम भी नहीं है, 2 ही है बस। एक क्या है टॉपिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और एक है रेट ऑफ चेंज, बस इसके बाद वाले में मैक्सिमम मिनिमम भी रहेगा, ठीक है ओके बच्चों, चलो सर अपने मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में वो क्रेमर एक मिनट रुकिए मुझे जल्दी रिकॉर्डिंग ऑफ करना है।